यूपी में भूख की वजह से एक और मौत का मामला सामने आया है। मामला बरेली जिले का है, जहां 42 साल के एक शख्स की भूख से मौत हो गई। टूटा मकान, टूटी छत, बुझे चूल्हे, माँ की गोद में एक शख्स की लाश, तस्वीरें खुद कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ भूख से तड़पकर एक 42 साल के शख्स की मौत हो गई। 90 साल की उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे के शव को अपने गोद में लेकर मातम मना रही है। वाकया बरेली जिले के भमोरा गांव का है। मृतक नेमचंद्र अपनी माँ के साथ इसी घर में रहता था और अकेला ही कमाने वाला शख्स था। नेमचंद्र ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, घर में राशन नहीं था, जो भी पैसे बचे थे वो उसकी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। ऐसे में ना तो घर में राशन आया और ना ही कोई मदद करने को आया। लेकिन अब जब नेमचंद्र की मौत हो गई तो उसके घर के बाहर अधिकारियों से लेकर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बच्चे की 3 दिन से कुछ खाओ पियो ना हो और घर लो, देखो डाले लो। अच्छा, 3 दिन से नहीं खाया था ना। मामला मीडिया में आया तो सरकारी अमले में हड़कंप मच गया, क्योंकि मामला भूख से हुई मौत से जुड़ा था। नेमचंद्र के घर में सरकारी अफसरों की भीड़ लग गई। हालात देखे तो उन्होंने भी माना कि मौत भूख के कारण ही हुई है। मैंने ये देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, दयनीय स्थिति में है। उनकी माँ बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, 90 प्लस उनकी उम्र है, और वो भूखे भी थे और कमजोर भी थे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अभी पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भूख और कुपोषण से होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में भूख या कुपोषण से होने वाली मौतों के ग्राम पंचायत से लेकर डीएम तक की जिम्मेदारी तय की गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर किसी के पास खाना नहीं है तो ये इन अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो खाना उपलब्ध करवाएं। भूख और कुपोषण से मौत होने पर डीएम तक के खिलाफ कार्रवाई की बात इस आदेश में कही गई थी। इस आदेश के जारी होने के बाद यूपी में भूख से मौत का ये दूसरा मामला है, मगर अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी आदेश भी महज कागजी बनकर रह गया। गोरियूज के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।